कमरा है, वही तुम्हारी सीट है। भीगे कपड़े उतार डालो बेटे, तुम सब यहीं रहते हो। जी। मेरे अजय का जरा ख्याल रखना, पहली बार वो घर से बाहर आया है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम लोग सब मैनेज कर लेंगे। अच्छा अजय, ट्रेन का वक्त हो गया, अब मैं उठूं। सबसे मिलजुल के रहना, अच्छी तरह से लिखाई पढ़ाई करना, समझे बेटा? और क्या बताऊं, तुम तो खुद समझदार हो। ये लो 10 रुपए अपने खर्च के लिए रख दो। अच्छा बेटा, रात को सोते वक्त अच्छी तरह मच्छरदानी लगा देना। अब मैं चलूं बेटा। चाय का सीन जरा टच्ची हो गया। हाँ, लेकिन चलो 10 रुपए ने आंसू तो पोछ लिए। हमारे घर वाले तो भाई 2 रुपए से ज्यादा कभी देते ही नहीं, चाहे रो रो के मर भी जाए। मालूम होता है वो अजय को बहुत चाहते हैं। चाहते हैं तुम न कहो, लेकिन उनकी बातों में बहुत प्यार था। मच्छरदानी तक लगाने को कह गए हैं। कहने को ये बात बहुत मामूली है, मगर सोचो तो बहुत बड़ी। सिर्फ माँ बाप ही इतना ख्याल रख सकते हैं। तुम इतने उदास क्यों हो गए अजय? माँ की याद आती होगी। पहले पहल माँ से बिछड़ने में सभी को दुख होता है,
तुम्हें भी दुख हुआ था। उसको क्यों होने लगा? उसकी माँ तो रोज उसे चोरी करके मिठाई खिला जाती है। हाँ। ओ, तो तुम्हारा घर नजदीक ही है। अरे इसका घर कहाँ है? इसकी माँ तो कुछ दूसरे के घर पे पड़ी रहती है। पड़ी क्यों रहती है? बेचारी बर्तन मांजती है। क्यों हम घर से चला दो शैलन? नहीं नहीं नहीं, खाना पकाती है बेचारी। लो इधर खाने का नाम लिया, उधर महाराज ने घंटी बजाई। चलो चलो माता को ले जाना। तुम्हारे पास तो बहुत सी निकैत है। तुम्हें चाहिए? नहीं। ले लो ना, मेरे पास तो पड़े ही रहते हैं, तुम ले सकते हो। मैं लेकर क्या करूंगा? क्यों, तुम फुटबॉल नहीं खेलते? ले लो। रात में क्या करें, जब किंगकम की आग लग जाती है तभी तो खिसकने का मौका मिलता है। किंगकम कौन है? अभी तक तुम किंगकम को नहीं जान पाए? अरे वही हमारे म्यूनिसपालिटी का इंजन। अरे वही सुपरिटेंडेंट साहब। अरे तुम्हें तो बड़े अच्छे रूममेट मिले, घंटी बजे और बेचारे सो गए। गुड, बेटर, बेस्ट। वेरी बेस्ट। कौन कहता है सो रहा था? सोते तो ये दोनों शक्ति और निर्मल। कौन कहता है मैं सोया हूँ? तू बहुत बकवास करता है रे, तुझे अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। देख क्या मैं सो रहा था, देखो मैं सो रहा था। अरे वाह, तुम लोग सब झूठ मूठ ही सो रहे थे। भाई क्या करे, हॉस्टल के कानून है घंटी बजते ही आंखें बंद कर लेना चाहिए। और अगर नींद ना आए तो फिर चोरी चोरी ताश के पत्तों से दिल बहलाना चाहिए। और अभी लगती है दो तीन हाथ। नहीं भाई, आज तक अजय से गपशप करेंगे। नया नया आया है, जान पहचान बढ़ाएंगे। क्यों सवेरे जान पहचान नहीं हुई थी? वो तो सब स्वागत हुआ था। क्या मतलब? अरे तुम तो अभी तक नाराज हो, समझाओ इनको। अरे भाई हम सब लोग तुम्हारे दोस्त हैं। हाँ सबके लिए एक, एक के लिए सब। कम ऑन शेखर, दो दो। मालूम होता है कोई आ रहा है। अच्छा ठहरो मैं देखता हूँ। अभी तक सोए नहीं, तुम्हें क्या दिखाई देता है? मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। बड़ी तेज नजर है। नजर ही नहीं, कान भी तेज हैं। कमरे में कौन बोल रहा था? मैं। किससे? तू मेरी सुन रहा था? कौन सुन रहा था? तू दिखाई नहीं देता। ओ प्रार्थना कर रहे थे। बड़ी खुशी की बात है कि लंका में विभीषण मिल गया। अच्छा बत्ती बुझा के सो जाओ। फिफ्टी वन यस सर। मैं जी हाँ
जरा सुनते हैं, जरा जोर से बोलना, तुमने उसे झूठ क्यों बताया? देखो तो सही, मजा आएगा। कौन से स्कूल से आए हो तुम? उषा ग्राम स्कूल से। अबे तो नाता क्या है जी? आप ऊंचा सुनते हैं ना, इसलिए। अच्छा, मैं ऊंचा सुनता हूँ, मेरा मजाक बनाता है? मैं बैठा हूँ, चल जा खड़ा हो जाओ बेंच पर, मैं ऊंचा सुनता हूँ। नीचे नहीं, ऊपर। मॉनिटर, ये अगले पीरियड में भी खड़ा रहेगा। बदमाश, मैं ऊंचा सुनता हूँ। तुम बेंच पर क्यों खड़े हो? ये शोर मचा रहा था सर। पहले ही दिन से शरारत। शरारत मेरी नहीं सर, उसी की है। मास्टर जी ने मुझे गलत सजा दी है। गलत सजा दी? तुम मास्टरों की गलतियां निकालने आए हो या पढ़ने? शरीरी नहीं, बदतमीज भी मालूम होते हो। टिफिन तक जरा खड़े रहो। वायस, अपनी अपनी कॉपियां निकालो। तुमने बाहर नहीं जाओगे? कुछ खाओगे नहीं? नहीं। क्या तुम्हें स्कूल अच्छा नहीं लगता? खमका, मुझे सब लड़कों के सामने पीट दिया। तो इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? तुम तो बेकसूर थे। इसी बात का तो मुझे दुख है। बड़ा होकर मैं स्कूल में मार बंद करवा दूंगा। ये तो बहुत अच्छा काम करोगे, लेकिन क्या बड़े होने तक भूख हड़ताल की रहोगे? मूंगफली खाओ, ले लो, शर्मा नहीं, लो लो ना।